नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं स्कैप रोबोटिक्स सेंटर का ऑनलाइन एजुकेशनल पोर्टल। और बच्चों, जिन 17 लोगों का रिजल्ट अभी आया है, अभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिजल्ट जेई मेंस का आउट किया है और बहुत बहुत बधाइयां उन लोगों को जो सक्सीड हुए हैं इसमें। कुछ 17 लोग इसमें ऐसे हैं जो 100% पूरा पूरा अचीव किया है उन्होंने। इसमें अगर हम नजर डालें तो मोस्टली 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो आंध्र प्रदेश कैडर के हैं, आंध्र प्रदेश से हैं, एक है बिहार साइड का, एक राजस्थान, 2 दिल्ली से हैं, दो हरियाणा से हैं, एक कर्नाटक से हैं, 3 तेलंगाना से हैं और 2 उत्तर प्रदेश से हैं। थोड़ा सा मुझे इसमें एक से कह सकते हैं कि एक बात थी, एक बार बार विचार मेरे मन में ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश से केवल 2 लोग जिनके 100% जिन्होंने अचीव किया है, उनकी संख्या इतनी घट कैसे गई। ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है वो क्वेश्चन है। ये मैं इसको इसमें क्षेत्रवाद का बिल्कुल भी एंगल नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक बात यह है कि आंध्र प्रदेश से 4 आते, हम तो चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग सक्सीड हों। ऑब्वियसली बात है, हर फैकल्टी या हर टीचर या हर मेंटर यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सक्सीड हों, और मैं भी ये चाहता हूँ बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ फैकल्टी। 13 साल से इसी चीज में हूं, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो ITJEE का हो, मेंस का हो या एडवांस का। तो यहां पर एक चीज समझने की हमें जरूरत है, जो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं आपके साथ शेयर करूं इस चीज को। वो चीज एक यही है कि मैंने देखा है इधर मोस्टली बहुत से इंस्टीट्यूशंस में और बहुत से जो है फैकल्टीज भी इस चीज को कभी कभी ओवरवेम कर लेती हैं या उसको उन पर ये चीज हावी हो जाती है कि उनको लगता है कि अब वो स्टैंडर्ड जो 2001, 2003, 2005 में ITJEE के क्वेश्चंस के पूछने का था। देखिए, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, चाहे ITJEE हो, मेंस हो, एडवांस हो या नीट हो, ठीक है, मैं दोनों की ही बात कर रहा हूँ कि उसमें बहुत से लोग फैकल्टीज इस चीज पे आ जाते हैं कि अब वो एरोव या बीएन जॉनसन या रस्लिक हेरडे जैसी बुक्स को रेफर करने का उतना उचित नहीं, क्योंकि अब उस तरह के क्वेश्चंस नहीं बनते। मैं बिल्कुल इस चीज को खारिज करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन्होंने यही चीज बच्चों के मन में डालकर उनको ज्यादा से ज्यादा एक ही तरह के क्वेश्चंस, एक ही तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज में लाकर एक तरीके के बच्चों का जो दिमाग है उसको बाउंड कर दिया। बाउंड करने का मतलब कि वो उस लेवल तक, क्योंकि देखिए ITJEE हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, इस तरह का जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, इस चीज को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस में जो बच्चे जा रहे हैं या वो जो एग्जाम ले रहे हैं, उसका मेन पर्पस क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड दैट। जब तक आप ये नहीं समझेंगे या कोई फैकल्टी भी इसको पढ़ाने वाला ये चीज नहीं समझेगा कि आखिर हम बच्चों को जिस चीज के लिए ट्रेन कर रहे हैं उसका मेन पर्पस क्या है, जब तक वो पर्पस नहीं समझ में आएगा तब तक आप उस लेवल को अचीव नहीं कर पाओगे। बहुत सारी बुक्स से, आप MCQs लगाने से और बहुत इस तरह के प्रैक्टिस सेशंस को ऑर्गेनाइज करने से बहुत ज्यादा फायदा आप इस स्तर पर नहीं ला सकते हैं, जब तक कि आपको पर्पस ना पता हो। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो होते हैं, तो सीधी सी बात है, वो जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं उनका कोई पर्पस होता है। पर्पस ये होता है, जैसे कि IITs के जो इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा है उसका सोल पर्पस क्या है कि उसको एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में देश के किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट के थ्रू जाना है जहां पर वो क्या कर सके, अपने जो आपने R&D सीखी है अपने कॉलेज लेवल पर, उसको किस लेवल पर बना सके, उसको एक इंस्टीट्यूशन लेवल पर उसको दिखा सके या उस पर वर्क कर सके, उससे आगे वर्क कर सके, ठीक है। दिस इज द मेन पर्पस, यही वो मेन पर्पस है जिसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जो है वो वर्क करते हैं बच्चे पर। इसीलिए इतना मारामार होती है, इतनी ज्यादा आप कह सकते हैं कि मेरिट बनती है और उस हिसाब से बच्चे का एडमिशन लिया जाता है। समस्या यहाँ की सबसे बड़ी ये आ रही है
कि मोटो खो गया है। मोटो का मतलब कि जो फैकल्टीज ट्रेन कर रही हैं बच्चों को, उनको वो ये चीज समझ नहीं पा रही हैं कि बच्चों को किस क्या उनका माइंडसेट है, किस माइंडसेट के अनुरूप जो है पेपर डिजाइन एक्चुअल में हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% फैकल्टीज इसको नहीं समझ पा रही है, कुछ समझ भी नहीं है उनमें से, लेकिन मेजोरिटी ऑफ की मैं जब जगह जगह मैंने जो है सेमिनार्स लिए और मैं एज अ गेस्ट स्पीकर गया तो वहां मैंने देखा कि जब बात की मैंने बैकएंड पर फैकल्टीज से तो बहुत से फैकल्टीज से कहती नहीं साहब अब तो बच्चों को उतना डीप नहीं पढ़ाना चाहिए, रोग नहीं क्वेश्चन सॉल्व कराने का कोई मतलब नहीं है, बी एल जॉनसन दसने खरेडे और इस तरह की चीजों को पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह गया। ये उनकी कमी है एक्चुअली, वो उस लेवल तक या तो पहुंच नहीं पा रहे हैं या पहुंचना नहीं चाहते या उनकी बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द रीजंस इसके हो सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के पर्सपेक्टिव से, ये तो फैकल्टी के पर्सपेक्टिव से बात हो गई, ठीक है फैकल्टी का ठीक है वो अपना ग्रूम कर जाएंगी नेक्स्ट लेवल के बच्चों को पढ़ाएंगी, लेकिन जो बच्चे करेंटली इस समय कॉम्पिटिशंस दे रहे हैं, नीट आने वाला है, आईटीजी की अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा एक बहुत छोटा सा एक मशवरा है, वो मशवरा सिंपल सा यही है कि आप इन सब बातों में ना आए, लेवल घटा नहीं है लेवल बढ़ा है एक्चुअली, ठीक है। तो केवल आप अपने दायरे को देखिए, रोव जैसी बुक्स हैं, बियर जॉनसन जैसी बुक्स हैं, या आपका रस्से खेड़े जैसी बुक्स हैं, या तमाम इस तरह की जो डीसी माथुर की बात करें, डीसी माथुर की बुक्स हैं, सुब्रमण्यम लाल की बुक है वेवन ऑसिलेशंस में, तो ये सब जो है ये एक्चुअली में आपको क्वेश्चन का हिंट नहीं देती है कि यही क्वेश्चन आपको उसमें आने हैं, ये जो आपको के दिमाग को खोलती है कि अगर दो तीन क्वेश्चन इसमें मिक्स हो जाए तो आपकी मेथोडोलॉजी ऑफ अप्रोच या अप्रोच का वो चीज क्या होगी जिससे कि आप जो है नए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं आनी है, प्रॉब्लम कोई पुरानी या रखी हुई प्रॉब्लम्स नहीं आनी है, ठीक है, क्योंकि उनको अनुसंधान के लिए बच्चे चाहिए जिनका बौद्धिक क्षमता इतनी हो कि नए विकल्पों में अनुसंधान कर सके। जैसे कि अभी हमारा ISS जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अगर वर्क करने के लिए अभी कोई भी हिंदुस्तानी नहीं गया, कोई भी इंडियन नहीं गया, क्योंकि वो अप टू द मार्क नहीं समझते, ठीक है। तो वहां पे क्या है, चैलेंजेस पहले से बिल्टअप बिल्ट इन चैलेंजेस नहीं होंगे, चैलेंजेस नए के नए होंगे, तो बच्चा उनसे सीखकर प्राइमरी स्टेज पे उससे अपने दिमाग को ग्रूम करना है, दिमाग में साइंटिफिक क्रिएटिविटी जो है हम कह सकते हैं साइंटिफिक क्रिएटिविटी को डेवलप करने का उसमें अंदर एक जज्बा होना चाहिए, उस जज्बे को परखने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज जानना बहुत जरूरी है, बार बार मैं बता रहा हूं इस चीज के बारे में कि यहाँ रोव या जैसे एक अच्छी लेवल की बुक्स है उसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन उन्हीं से बनेंगे, उससे आपके साइंटिफिक क्रिएटिविटी को उड़ान मिलेगी, उससे साइंटिफिक क्रिएटिविटी इवॉल्व होगी। और यही R&D विंग के लोगों को चाहिए, जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है, जो इस थ्योरी के अंतर्गत काम करते हैं, उनमें यही बात है, वो यही चीज बच्चे में ढूंढते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा है ये 17 बच्चे जो 100% अचीव किए हैं इसमें उत्तर प्रदेश। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इसके रिगार्डिंग मैंने उचित समझा कि आप लोगों के साथ मैं इसको डिस्कस करूं, और मेरा बहुत सिंपल सा जो क्राइटेरिया है जो इसके बारे में समझ है, 13 साल के ऊपर मेरी एक्सपीरियंस इसी फील्ड में हो चुका है। देखिए एकेडमिक साइंसेस और कॉम्पिटिटिव साइंसेस में कुछ अंतर बहुत बड़ा होता है। सबसे बड़ा अंतर ये चीज होती है कि कॉम्पिटिटिव साइंसेज में एक टाइम बाउंड मैनर पे एक सधे हुए अप्रोच में आपको जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको जो है वो चीज को कंप्लीट करना होता है। एकेडमिक्स में चीजें हैं कि आप अगर थोड़ा सा ऑफ द रोड भी चले जाते हो तो आपको संभलने का मौका मिलता है, एकेडमिक्स में ये मौका आपको मिल जाता है कि समय अंतराल होता है, ठीक है, एक सिलेबस रिस्ट्रिक्टेड होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेबस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कितना सिलेबस, अगर कोई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बता रहा है तो कूलिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के एप्लीकेशन कितने हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसका कोई एक डेफिनेट कोर्स शेड्यूल नहीं होता कि इतने में से ही आपको आना है, एक टॉपिक आपको दे दिया, उस टॉपिक में आपको बहुत चीजें उस टॉपिक में उसके अंदर इंकॉर्पोरेट हो सकती है, ठीक है। तो एक छोटा सा एक मतलब कहने का पर्पस ये है कि अपने लेवल को आप फैकल्टी या इस तरह के कोर्सेज में जहां भी आप इनरोल हो रहे हैं उसमें इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को आप हल्के मत लीजिए कि उन्होंने किसी फैकल्टी ने आपसे कह दिया कि नहीं भाई अब इतने लेवल का नहीं पूछा जाता, अब कम लेवल का पूछा जाता है, तो आप एक बिलो लेवल तैयारी करिए। तैयारी में लेवल और क्लास
क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि इसका मोटिव क्या है। जब तक मोटिव आप नहीं जानोगे कि किसी भी एग्जामिनेशन का मोटिव क्या है, तब तक आप जो है उस एग्जामिनेशन को हार्डली ही क्रैक करो, ठीक है। बाकी किसी का लक बहुत अच्छा है, 0% एफर्ट में भी अचीव कर ले रहा है, तो वो उसका अपना है। लेकिन हम ये मान के नहीं चलते कि हम हमारे यहाँ स्कैप रोबोटिक सेंटर पे, स्कैप कॉम्पिटिटिव सेंटर पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनको लेमैन मान के चलते हैं कि उनको अभी कुछ नहीं पता है, उनको फ्रॉम द जीरो, हम फ्रॉम द स्क्रैच हमें उसको इनिशिएट करना है, इनिशिएट करके वहां तक पहुंचाना है, ठीक है। चाहे वो इधर 1-to-1 कम्युनिकेशन से हो, चाहे ग्रुप कम्युनिकेशन से हो। बैचेस हमने इसीलिए हमेशा छोटे रखे हैं, मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स तक के बैचेस हैं। ये भी नहीं कि 30-30 स्टूडेंट्स के बैच हों या 100 स्टूडेंट्स के बैच हों। हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, 30 स्टूडेंट्स से ज्यादा की भी इंक्वायरीज आती हैं कि नहीं भाई आप, पेरेंट्स भी कभी कभी कहते हैं कि नहीं ऐसा है कि ठीक है आपका पोस्ट मॉड्यूल शुरू हो चुका है, मुझे MWS के मॉर्निंग बैच में ही रखना है, मुझे TTS के मॉर्निंग बैच में ही रखना है, लेकिन हम अलाउ नहीं करते, भले ही इसमें हमारा वो कितना भी नाराज हो जाए, क्योंकि हमारा पर्पस ही, कल को आपका बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप हमसे बोलोगे आकर कि सर आपके, आपने के उसमें शरण में आया और आपके शरण में आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो समस्या यहाँ पर यह है कि वहां पे उस समय बच्चा ये है भाई जल्दी जल्दी ग्रास्प कर लें, जल्दी जल्दी ये काम कर लें, वो समय उसको लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो इसके, हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखते हैं इसके, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो सीधी सीधी सी बात यह है, जो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, लेवल अप टू द मार्क रखिए। लेवल मतलब मान के चलिए कि अगर आपको सपोज लेवल 5 तक आपको अंदेशा है कि यहां तक आता है, प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर्स में आप देख लीजिए, तो हम लेवल 8 तक की तैयारी कराते हैं, इससे बच्चा लेवल 5 तक का अचीव कर ही ले हर कंडीशन में, ठीक है। मोर देन 90% ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, या ऑनलाइन जो भी जिसे प्लेटफॉर्म पे जो लोग वर्क करा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनमें आप देखेंगे कि वो चीज आपको एक लेवल तक, एक समझ लीजिए एक प्रीमियर लेवल तक उनका ऑनलाइन है, उसके बाद फिर प्रीमियम मेंबरशिप मांगते हो। प्रीमियम मेंबरशिप पे भी इंसान जो है पेमेंट, कुछ लोगों ने पेमेंट कर भी दिया है, लेकिन 1-to-1 इंटरेक्शन जिस तरह से हमारे यहाँ स्कैप रोबोटिक्स में होता है, वैसे 1-to-1 इंटरेक्शन वहां पर मुझे नहीं लगता कि हार्डली वो देते भी होंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि फैकल्टीज भी, अगर आप किसी से, हमारे अंदर 5 फैकल्टीज हैं, तो हमारे यहाँ जब तक इस चीज के बारे में हम लोगों की अंतरात्मा में ये चीज है कि हमें इस बच्चे को निकालना है, हम उसको, आप इस चीज को समझिए कि हम लोग जो है दिल से इस चीज को काम कर रहे हैं कि हमें निकालना है। वो जो काम कर रहा है वो प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है। प्रोफेशनल का मतलब कि वो उसको एक बंच ऑफ, उसको एक रेवेन्यू देखनी है कि हमें इतना रेवेन्यू मिलना चाहिए, 1 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, जो भी उनके मैनेजमेंट कहता है कि 2.5 करोड़ रेवेन्यू आपकी निकलनी है इसमें, ठीक है। तो वो रेवेन्यू देखता है, हम रेवेन्यू नहीं देखते हैं। हमारा पर्पस क्या है कि बच्चे का जो बौद्धिक रेवेन्यू है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो जो बंदा एक ही चीज 30 लोगों को पढ़ा के कमा लेगा, वो 1-to-1 इंटरेक्शन क्यों करेगा, सीधी सी बात है। यही जितने भी आपका हाई फाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखेंगे, एक जिस समय एक प्रोमो होगा उस समय तो एक हो सकता है हार्डली क्वेश्चन वो दे लें जो क्वेश्चन बहुत बढ़िया हो, लेकिन जब उसकी लॉन्ग लास्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस लॉन्ग लास्टिंग क्लासेस में जो लोग ज्वाइन कर चुके होंगे उनके बारे में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो उस लेवल का तो पढ़ा ही नहीं रहे। वो वहां तक, वो या तो समझाने में उनको दिक्कत आ रही है, उनको ऑनलाइन तरीके से वो समझा नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने उस चीज को टेकअप ही नहीं किया, ठीक है। तो जब उस चीज को टेकअप नहीं किया, उससे एक नीचे लेवल पर टेकअप जिसमें सब कुछ आसान है, बच्चे को भी आसान लग रहा है, उस चीज को पढ़ा के उन्होंने उसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है। दिस इज द थिंग, मेरे कहने का मतलब है हम उसी लेवल तक जाते हैं जिस लेवल पर जाना चाहिए, जिसमें कि हम ये मान चलते हैं एग्जाम के लेवल से डबल आगे, जिससे कि बच्चा एग्जाम लेवल। तो मेरे कहने का बस एक सिंपल सा यही मतलब है कि जहां भी, जिस भी आप कोचिंग में इन्वॉल्व हुई, जिस भी फैकल्टी से आपका इंटरेक्शन हो, वो इंटरेक्शन 1-to-1 हो, और कॉम्पिटिटिव साइंसेस में ये इंटरेक्शन 1-to-1 होने के बहुत बड़े मायने हैं, जो कि एकेडमिक्स में शायद उतने बड़े मायने नहीं है, लेकिन जो आपका कॉम्पिटिटिव साइंसेस हैं, क्योंकि उसमें जो कॉम्पिटिटिव साइंसेस में डाउट्स जो है, बच्चे के डाउट्स बहुत होते हैं, वो डाउट्स ऑनलाइन माध्यम से, जब तक या तो ऑनलाइन माध्यम से या फिर ऑफलाइन, तो बहुत ही बढ़िया है, तो ऑनलाइन माध्यम से वो डाउट्स को क्लियर करना इतना आसान नहीं होता अगर आप ग्रुप में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो एकेडमिक्स के सेंस में तो आपका जो है ग्रुप में 30-50-100 ग्रुप में चल जाएगा, लेकिन जहां आपका कॉम्पिटिटिव, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यूजी लेवल के हों, चाहे पीजी लेवल के हों, किसी भी लेवल के हों, उन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 1-to-1 इंटरेक्शन, 1-to-1 बच्चे का इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हमेशा मैं जोर देता हूं, और मैं चाहूंगा कि ये चीज फैकल्टीज भी उतना ही समझें जितना कि स्टूडेंट को समझने की जरूरत है, ठीक है।
तो इन्हीं सब बेसिक शब्दों के साथ कुछ बातें कुछ क्लियर करनी थी, कुछ डाउट्स मुझे, मैंने चूंकि 13 साल से इसी फील्ड में हूँ, 5 साल के रेगुलर मेहनत के बाद काफ़ी चीज़ों के बारे में एक्सपीरियंस हुआ कि एक फैकल्टी क्या सोचती है कॉम्पिटिटिव साइंसेस के बारे में, उस समय उस बच्चे का क्या रोल रहता है, वो बच्चा क्या सोचता है एक पढ़ते हुए, कि उसके पास उसके जीवन का वो 1 या 2 साल इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि उसके अलावा फिर उसको कुछ सोचता नहीं है। तो उस 1 या 2 सालों को हम बहुत बढ़िया तरीके से, कितना अच्छे से अच्छे तरीके से उस चीज़ को हम नर्चर कर पाएं, अच्छे से अच्छे तरीके से उसको हम उसको दे पाएं, वो डिलीवर कर पाएं वो चीज़ जिसको चाहिए उस 1.5 साल 2 साल में, क्योंकि 2 साल के बाद एक दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एक दूसरा बैच आ जाएगा, वो दूसरे बैच को भी उसी तरह से पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वो 2 साल जो है उस बच्चे के, वो उस जिंदगी के उसको लगे कि बहुत बेहतरीन साल गुजरे, और सिलेक्शन होना ना होना दिस इज अनदर थिंग, लेकिन उसने अपना प्रॉपर एफर्ट किया, उस प्रॉपर एफर्ट में उसको वो प्रॉपर चीजें मिली जो उसको उस ड्यूरेशन में मिलनी चाहिए थी। इसी के साथ मैं अभिनव श्रीवास्तव स्कैप रोबोटिक्स सेंटर की तरफ से इस वीडियो को अंत करता हूँ, और दोबारा बहुत बहुत बधाइयाँ उन बच्चों को जो सेलेक्ट हुए हैं, और बिल्कुल आप इस चीज़ को निराशा में मत लीजिए जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप इसमें अगर आपके पास एज फैक्टर बहुत नहीं हुआ है, आप 1-2 साल का अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से 1-2 साल का अटेम्प्ट आप दीजिए, उस चीज को इंश्योर करिए कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपके प्रतिभा के अनुसार मिल पाए। ठीक है, तो इसमें आप शुरू के ये 1-2 साल आप ये मत समझिए कि बेकार जा रहे हैं, 1-2 साल आपके जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण साल होने वाले हैं, और इसको डिलीवर करना कि ये 2 साल सबसे महत्वपूर्ण हो आपके लिए, सबसे फ्रूटफुल आपके लिए, ये हमारा काम है। ठीक है, तो इन्हीं सबके साथ मैं अभिनव श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ। ओके, धन्यवाद, नमस्ते।